बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मोहम्मद वाला आले मोहम्मद शाह जंजानी एक वेब टी वी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 12 मंजिल बुर्ज के सिलसिले का आज 8वां बुर्ज बुर्ज अकरब हम आपको 2024 में कैसा रहेगा। हम जनाब एक मुहावरा है कि दरिया को कूजों में बंद करने जैसी सआदत हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपके जायचे में दो अहम सितारे मुश्तरी और जोल की जो नशिस्त है ये हमारे सामने है। सितारा मुश्तरी जो है ये आपके जायचे के छठे घर में छठा घर है। कर्ज मर्ज सेहत और हासिन से मंसूब है। तो ये जनाब मुश्तरी जब यहाँ पे आता है तो इस तरह की कैफियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। इसका सदका और खैरात दें मैं अभी आपको अदिया करता हूँ। लेकिन जब ये बुर्ज तब्दील करेगा 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक तो ये बहुत ही बेहतरीन साल है। सितारा मुश्तरी का जायचे के साथ में घर में आना बहुत ही खुशबख्ती देता है। ख़ास तौर पे बंद किस्मत के दरवाज़े खुल जाते हैं। शादी ब्याह के मामलों में बेहतरी आती है। वो बच्चे बच्चियां जो शादी के लिए मुतमनी हैं और दो अख्त सानी के मुतमनी उन्हें भी इस सिलसिले में आसानियाँ दिखाई देती हैं। मुश्तरी की यहाँ पर जो नज़रात हैं 11वें घर में ख्वाहिशात की तकमील देती है। हल्का हवा में वसत होता है और अजीज़ कार बहन भाइयों की जनाब खिदमत और अंदरून मुल्क सफ़र भी खुशगवार पेश झलाएँगे। 2000 इस लिहाज से बहुत ही अहम और बेहतर साल दिखाई देता है। मज़ीद हम देखते हैं कि जोहल आपके जायचे के चौथे घर में या तो चौथे घर में जोहल का आना एक बहुत ही खुशबख्ती ना सिर्फ बल्कि अपने घर में अरूज याफ्ता रहेगा सारा साल रहेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और ज़रात से मुतलका बागबानी से मुतलका कन्वेंस ये आपको सब नियमतें परवरदिगार अता करेगा और आप अपनी नियमतों में अपने ख़ानदान के अफराद को माँ की दुआएं अब ले सकते हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं ले सकते हैं। अगर ये बुज़ुर्ग हयात ना हो तो इनके रिश्तेदारों से उसने सलूक करने से इनसे दुआएँ लेने से भी वसत दिखाई देती है। बीमारी जो है इससे भी आपको निजात मिलेगी क्योंकि इसकी भी अच्छी नज़र यहाँ पर पड़ रही है। और उसके बाद कैरियर के मामलों में बूस्ट और बढ़ावा आएगा और आपकी ज़हनी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा और ख़ुद एहतसाबी का अमल आप 2024 में देखेंगे। माजी में जो आपने गलतियाँ की उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप यकीनन उससे यानी ख़ैर और बेहतरी पाते हुए दिखाई देते हैं। 2024 का जनाब जो सदका मैंने अर्ज़ किया था वही बेहतरीन है कि आपके घर के करीब अगर कोई मस्जिद से आवाज़ की अजान आती है अल्लाह अकबर तो मौज़न से दोस्ती करें, उसे जनाब कुछ नजराना दिया दें कि वो अजान फजर के बाद आपके लिए दुआ करें चूँकि अव्वल वक्त कबूली दुआ का वक्त होता है। अल्लाह ही के घर में जब मौजन अल्लाह की अजान देता है और उसके बाद दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, दुआ की जाए तो ये दुआएँ यकीनन कबूल होती हैं। ये अमल आप ख़ुद भी कर सकते हैं और 2024 के लिए इसी का इसमें आज़म जो है 289 दफ़ा अव्वल आखिर या अल्लाह मरतबा दुरूशी पढ़ के अल्लाह अकबर का हिफ्ज़ करें तो ये जनाब बेहतरीन 2024 का खैर बरकत हो जाने वाला साल दिखाई देता है। मज़ीद जानने के लिए हमारे इदारे की जनाब 12 इमामी एजेंडरी लॉन्च कर दी गई है, इसे आप www.aina.gmail.com पे पढ़ सकते हैं। इसकी PDF फाइल भी दस्तियाब है जो नीचे नंबर आ रहा है, मैसेज करके इसकी PDF फाइल भी और तोहफ़तन मंगवा सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शाह जन जाने की इजाज़त दीजिए। बशर्ते ज़िंदगी जल्दी किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।